दिस प्रॉब्लम नेम इस प्रॉब्लम का नाम है फाइंड ए स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमें एक बड़ी स्ट्रिंग दी गई है और एक सब स्ट्रिंग भी दी गई है। हमें इस क्वेश्चन में छोटी स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है बड़ी स्ट्रिंग में कि वो कितनी बार उसमें अपीयर हुई है। जैसे इसमें 2 बार। सो इसके लिए अपन सीधा इनबिल्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और कोड भी लिख सकते हैं। सबसे पहले अपन कोड लिखते हैं, उसके बाद इनबिल्ट फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इनिशलाइज कर दो एक काउंट जो कि 0 है, उसके बाद में एक फोर लूप लगाओ रेंज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे चेक करना है इफ स्ट्रिंग ऑफ i2, तो यहाँ पे इनकी लेंथ्स अपन बाहर एक वेरिएबल में इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्ट्रिंग लेंथ और सब स्ट्रिंग लेंथ। जहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंथ है और यहाँ पे ये हटा के अपन सीधा स्ट्रिंग लेंथ माइनस सब स्ट्रिंग लेंथ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपन को कंपेयर करना है सब स्ट्रिंग लेंथ आई टू आई प्लस सब स्ट्रिंग लेंथ। अगर ये इक्वल इक्वल टू है सब स्ट्रिंग के, देन अपन को काउंट इंक्रीज करना है 1 से और फिर रिटर्न करना है काउंट। रन दिस कोड। यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेटर टाइप एज 4 माइनस इन 10 स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे ये सब स्ट्रिंग की जगह सब लेंथ आएगा, ये गलती कर दी। नाउ रन दिस कोड। रॉन्ग आंसर। सो अभी यहाँ पे लेंथ है इसकी 3 और 3 7 माइनस 3 4, सो 0 1 2 3 एंड 4। सो i2 i+3, सो टोटल लेंथ इज 3 3 6 7 माइनस 3 4, सो 3, सो 0 1 2 एंड 3। सो हियर वी हैव टू डू ए वेरी स्मॉल थिंग, वी हैव टू ऐड 1। नाउ रन दिस कोड। अभी ये पूरे टेस्ट केसेस में पास हो गए हैं। ये एक मेथड है, इसके अलावा अपन मे बी कोई इनबिल्ट फंक्शन भी होगा जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। सो इस प्रॉब्लम को अपने इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।